भाई अभी जो है कि हम लोग आ चुके हैं संदीप भाई के गांव में। यहाँ पे खाट अपना है शाम को बैठने के लिए बढ़िया, काफ़ी सर्दियों में यहाँ पे धूप में बैठ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे भाई भैंसें अपनी बंधी हुई हैं बढ़िया। क्या मुझे रखी है, तो यहाँ पर अपने भैंसे बंधे हुए हैं, वहाँ पे गाय हो गया, आप गाय भैंसे और ये चारों तरफ खेत हो गए, यहाँ नीम का पेड़, यहाँ छाँव में बढ़िया अपना खाद डालो, खाद डाल के भाई बैठो, क्या बढ़िया अपनी। आगड़ा तो अभी हम लोग भाई संदीप भाई के घर से निकल के हम लोग यहाँ जो बिल्ली फिल्ली ने पंगा पंगा कर दी लग रही है, गजब बेइज्जती है। ये देखो भाई बिल्कुल चढ़ाई है, ऐसे चढ़ते हुए हम लोग आए हैं और देख रहे हो पहाड़ी पर से नज़ारा, जो ऊपर से बिल्कुल ये पूरा गांव दिखाई दे रहा है, ये खेड़ला गांव है खेड़ला। यहाँ पर संदीप भाई अगर वो रहता ना ड्रोन जो घूम कर आता ना, राउंड लेके आता ना पूरा, जो हेलीकॉप्टर शॉट लेता ना वो वैसे आसपास के जितने भी है सब उधर वाते हैं। शीतला माता पे, शीतला माता मंदिर जो है ना गुड़गांव का, वहाँ पे उधर दे बाल। और हमारे गांव के और एक दो जो गांव है ना आसपास के सारे एरिया के हम तक भी शीतला माता, शीतला उधर देना। हमारा जो गांव है ना, हमारा को ऐसा वरदान मिला हुआ, हमारे जितने भी बच्चों के बाल उतर देना सबके इधर ही उतरते हैं। ये माता का मंदिर है, माता के दर्शन हो गए मंदिर में, हमने भाई प्रणाम वनाम अपना कर लिया और दर्शन हो गए माता जी के। ये हम और आसमान की ऊंचाइयों में, चारों तरफ घना कोहरा ही कोहरा बादलों में, और ऊपर इस पे नहीं चढ़ पाएंगे हम, नहीं फिर उतर नहीं पाएंगे हम, नहीं फिर इसकी इतना ऊपर चढ़वा देंगे संदीप भाई, तो फिर हम भी वही कहेंगे भाई लैंड करा दे, भाई भाई लैंड करा दे। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हल्का ठास। मंदिर में माता जी के दर्शन कर लिए और अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, यहाँ से हम लोग जाएंगे बाबा बालादास के मंदिर में, जो कि यहाँ का जो मशहूर जो माना हुआ बजरंगबली का मंदिर है। तो हम लोग अब उस बजरंगबली के मंदिर की तरफ जा रहे हैं, यहाँ से वो भी पहाड़ी के ऊपर ही है, पहाड़ी की चोटी पर है ऊपर, तो हम लोग वहाँ निकले, वहाँ के लिए हम लोग निकल रहे हैं अब यहाँ से। और समय हो चुका है करीब 4:30 या 5:45 के आसपास। मैंने अपने घर में तो बोला था कि भाई 2 बजे तक मैं आ जाऊंगा घर पे, लेकिन अभी 5 यही बज रहे हैं। में भी क्या लगा रखे हैं इन्हें बिल्लू सरपंच साध राणा ने, तो अभी हम लोग गोत्र है साध राणा, तो चुम जोर छुपाया है, हां शायद तो चुम जोर छुपाया है, गजब बेइज्जती है। अभी हम लोग जो है कि खेड़ला गांव में है, ये गुड़गांव से कितना दूर पड़ता है संदीप भाई, ये हो गया 20 किलोमीटर के आसपास, जो दमदमा आप अपने एक इस तरफ में टूरिस्ट जो प्लेस है जहाँ पे लोग आते हैं घूमने के लिए दिल्ली से, नोएडा से, फरीदाबाद, तो दमदमा जो लेक है वो यही खेड़ला में ही है। और 16,000-18,000 काफ़ी बड़ा गांव है, काफ़ी बड़ा गांव, मतलब कुल मिला के काफ़ी बड़ा गांव, आसपास में सबसे बड़ा गांव यही है। हम लोग पहुँच गए हैं बाबा बाला साहिब के मंदिर, बालादास अच्छा बाबा बालादास के मंदिर में, जो कि है बजरंग बली का मंदिर। मतलब काफी पुराना मंदिर है ये, कितना खूबसूरत हो गजब संदीप भाई, ये कर क्या रहा है, ओए हो I'm just sitting here I got time। तुम रह जाओ भाई साहब, मैं जा रहा हूँ ना छोड़ के, मोर के साथ रह लेंगे आज सुबह, इन्हें पकड़ के ले जाओ, ठीक है तुम मोर के साथ रह लो तुम यार, उसके साथ अपने पंखे बिखेर के पे हो। चलो फिर चलो चलो, कभी टाइम हो गया।
आयो बताओ कब टाइम हो गया? 5 से ऊपर हो गया। मैं अभी कहूँगा 5 से ऊपर हो गया। तो हम लोग अब बजरंगबली के मंदिर से, बाबा बालादास जी के मंदिर से हम लोग निकल रहे हैं। यहाँ से हम लोग जाएंगे संदीप भाई के घर की तरफ, उनको छोड़ते हुए, और हम लोग आगे तरफ निकल जाएंगे। बाबा बालादास बजरंगबली बिल्कुल सामने हमारे, आपको हम दिखाते हैं। हम लोग खेला से यहाँ से निकल चुके हैं और हम लोग जा रहे हैं अब सीधे यहाँ से नोएडा। तो हमें नोएडा में उतारेंगे और वहाँ से फिर ये निकल जाएंगे अपने फरीदाबाद के लिए। समय हो चुका है 5:30 तो हो ही गए होंगे भाई, 5:15 हो रहा है, 5:15 हो गया, बहुत टाइम लग गया। जो प्लानिंग थी हमारी, मैंने तो अपने घर में ये बोल दिया था कि मैं 2 बजे तक आ जाऊँगा, 2 बजे खाना बना कर रखना, लेकिन यहाँ पे 5:15 हो चुके हैं और घर पहुँचते पहुँचते, मुझे घर पहुँचते पहुँचते नहीं भी तो 7 बज जाएंगे, 6:30 और विकास भाई को घर पहुँचते पहुँचते 8 बज जाएंगे, 8 बज जाएंगे। तो हमने अपने अपने घर में बोल कर रखा था कि हम दोपहर तक आ जाएंगे और हम पहुँचने वाले हैं 6:30 और 8। तो इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं, जो खेड़ला गांव का जो ब्लॉग था ये ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। हम लोग अब जा रहे हैं नोएडा की तरफ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना। खेड़ला से देख रहे हैं तो खेड़ला में कहीं आसपास और भी ज़्यादा घूमने वाली जगह हो तो आप हमें कमेंट करके बताना, और वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। पहली बार देख रहे हो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जो बेल आइकन है घंटा है उसको प्रेस कर देना। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। Bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see from up here.